तो जय सियाराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोई भी आप लोगों का सवाल है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका जवाब किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही बता देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो है इसका आर्ट कमीशन में अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हमारे चैनल में अपकमिंग आगे भी बहुत सारा आर्ट कमीशन आते ही रहेगी, तो हमारे चैनल में आप अभी से जुड़े रहो। तो इस आर्ट कमीशन का जो है मैंने पार्ट वन में जो है जितना भी एंट्रीज था वो मैंने दिखा दिया, तो ये है फाइनल पार्ट, मतलब पार्ट टू। इसके बाद कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं रहेगा एंट्रीज का। तो अभी जिन लोगों का आर्टवर्क इस पार्ट में ना दिखे तो समझ लेना आपका आर्टवर्क जो है मुझे मिला ही नहीं। अगर यहाँ पे भी अगर आपको ना दिखे फिर भी, तो आप मुझे 24 घंटे के अंदर, जब भी ये वीडियो देख रहे हो इसकी वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर ही आप लोग अपना आर्टवर्क सेंड कर देना। वही लोग सेंड करना जिन लोगों ने पहले सेंड किया है, जिनका आर्टवर्क मुझे मिला नहीं, बस वही लोग सेंड करना। तो इसमें जितना भी आर्टवर्क है उनका मैं कोशिश करूंगा जो भी मुझे मिस्टेक लगे उसको आप लोगों के सामने रखने की, ताकि आप इस तरह से मिस्टेक और फिर से नेक्स्ट टाइम ना करो। यहाँ पे कई सारे लोगों ने बहुत मिस्टेक किया है, कई सारे लोगों ने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है, कई सारे लोगों ने मतलब जितना भी आर्टवर्क है, हर आर्टवर्क में जो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक रहता है, किसी का आर्टवर्क परफेक्ट हो नहीं सकता चाहे वो कितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाए। तो यहाँ पे बात है कि जिसका कम से कम मिस्टेक है वही आर्टवर्क विनर के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे किसी को अगर ज्यादा मिस्टेक उनके आर्टवर्क में दिखा दूँ तो आप लोग दुखी मत हो जाना, क्योंकि यही फाइनल डिसीजन नहीं है, आगे भी देखा जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मतलब जो टॉप 10 आर्टवर्क्स आएगा वो भी बहुत जल्दी आएगा, और इसके बाद जो विनर अनाउंसमेंट रिजल्ट का अनाउंस होगा। तो आज से लेकर जो भी आप वीडियो को देख रहे हो इस एंट्री के लगभग 15-20 दिन के अंदर मैं विनर भी डिक्लेयर कर दूंगा। तो आप लोग कृपा करके रिजल्ट कब आएगा, अनाउंस कब होगा, ये सब सवाल मत करना। तो इस ऑटो में सबसे पहला मिस्टेक तो ये है कि इस ऑटो में ये ऑटो उतना साफ सुथरा नहीं है फेस में, मतलब क्लीन होना चाहिए था जितना उतना नहीं हो पाया। और आपने कोशिश किया है क्लीन करने की, पर आगे से और अच्छे से ड्रॉ करा करो कैसे, इसके लिए हमारे चैनल में ट्यूटोरियल तो है ही, उनको देखा करो तो और ज़्यादा अच्छे से आप ड्रॉ करवा। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपने शायद ब्लैक कलर अप्लाई, ब्लैक कलर जो है कोशिश करना चाहिए कि ना ही अप्लाई करें, पहले जो कलर है उन्हीं से ही कलरिंग करके अगर हो जाए डार्क तो बात सही है, पर जब अगर फिर भी ना हो पाए तो आप ब्लैक कलर यूज़ करना स्किन के ऊपर, मतलब फेस में। तो इस आर्ट में कलरिंग बहुत अच्छा किया है आपने, हेयर्स भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे जो आपने गले के पास जो यहाँ पे राउंड होना चाहिए जो ब्लू कलर है आपने अप्लाई किया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है जिससे राउंड होने से और ज़्यादा बेटर लगता है। तो इस आर्ट में जो आपने कलरिंग किया है अच्छा किया है, पर यहाँ पे आपने कलर को मिक्स नहीं कर पाया आपने, जैसे कि आप यहाँ पे गालों पे देख रहे हो जो ब्लू कलर है वो बिल्कुल भी प्लेन टेक्सचर नहीं बनता है, जो एक टेक्सचर बनता है डार्क टू लाइट वो नहीं हो पाए। इससे अच्छा अगर आपने ये ना किया होता तो और ज़्यादा अच्छा ही लगता, और किया ही है तो अच्छे से करते या फिर ट्यूटोरियल देख के ट्राई करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। और इसलिए आप लोगों के लिए मैंने पहले ही ट्यूटोरियल अपलोड करके ही रखा है, एक बार देख लेते हैं। तो इस आर्टवर्क में भी काफ़ी मिस्टेक, पहला मिस्टेक तो हेयर जिस डायरेक्शन में जैसे ड्रॉ करना चाहिए वैसे बिल्कुल ड्रॉ नहीं किया है, लगता है पूरा ब्लैक ही कर दिया है। और यहाँ पे कलरिंग और बेटर हो सकता है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस फोटो में दिखता है कि जो डार्क टू लाइट एक इफेक्ट जो दिखता है प्लेन टेक्सचर क्लीन टेक्सचर वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और इस आर्टवर्क में पहला मिस्टेक तो आपने फोटो क्लिक करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया है, कि जो लाइट का फोकस यहाँ पे फेस के ऊपर पड़ रहा है तो इसलिए आर्टवर्क भी अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी फोटो क्लिक करा करो लेफ्ट और राइट में दो लाइट रखा करो, उसके बाद फ्लैश लाइट ऑफ करके ही आप फोटो क्लिक करो। और यहाँ पे कलरिंग डिटेलिंग फेक शेडिंग रेडिंग इन सब में आपको काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसके लिए आप ट्यूटोरियल हमारे देख सकते हो। शेडिंग कैसे करना चाहिए, लेयर बाय लेयर कैसे ड्रॉ करना चाहिए, लेयर बाय लेयर करोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपने कोशिश किया है यही बहुत अच्छा है। इस आर्टवर्क में पहला मिस्टेक जो आउटलाइन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, हेयर्स भी मैच नहीं कर रहा है, हेयर्स कैसे ड्रॉ करना चाहिए कैसे ड्रॉ किया है मैंने उसको देखो। और यहाँ पे रेफरेंस फोटो में जैसे देखोगे लेफ्ट साइड में डार्क है, उसके बाद फेस के ऊपर बाकी तरफ जो है लाइट हो रहा है, पर वैसा यहाँ पे वो इफेक्ट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप ग्रिड मेथड से और ट्यूटोरियल देख देख करके ट्राई किया करो आगे से जो भी ड्रॉ करवा आर्ट हो। इस आर्ट में आपको हेयर्स में फेस में आउटलाइन में हर एक चीज़ में कलरिंग में लेयर बाय लेयर कैसे ड्रॉ करना चाहिए इन सब के लिए मैं यही कहूँगा आपको, मेरे जो भी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया उसको देखा करो आगे से, जो भी आर्ट कमीशन आए उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो, और तभी आपका स्किल और ज़्यादा इंप्रूव होगा। और फिर खुद से ट्राई करो तो भी होगा, फिर ट्यूटोरियल देख कर ट्राई करोगे तो और ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होगा। इस आर्ट में आपको जो है आउटलाइन में हेयर्स में शेडिंग लेयरिंग में क्लियरिटी में हर एक चीज़ में आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए ट्यूटोरियल आप हमारे चैनल में देख सकते हो। और इस आर्टवर्क में भी आपको आउटलाइन में हेयर्स कैसे ड्रॉ करना चाहिए उसमें लेयर बाय लेयर शेडिंग में डिटेलिंग में क्लियरिटी में इन सब में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके लिए ट्यूटोरियल आप हमारा देख सकते हो, उसके इसको देख देख के इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्किल को।
इस आर्ट में सबसे जो मेन मिस्टेक यहाँ पे हुआ है जो स्किन टेक्सचर के ऊपर जो लेयर बाय लेयर जो करना चाहिए शेडिंग वो नहीं किया है आपने, तो इसलिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की तरफ जो डार्क टू लाइट इफेक्ट जो दिख रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो वो कैसे ड्रॉ किया जाए उसके लिए आप ट्यूटोरियल देख देख के स्टेप बाय स्टेप ट्राई कर सकते हो, आगे जो भी आर्ट कमीशन आने वाले हैं उसमें उस आर्ट को ड्रॉ करने के लिए। इस आर्टक में मिस्टेक यह है कि इस आर्टक में थोड़ा सा जो है क्लियरिटी और अच्छा हो सकता, डार्कनेस थोड़ा सा और अच्छे से कर देते कलरिंग एक लेयर तो और ज़्यादा बेटर होता। जैसे कि यहाँ पे गले के आसपास जो येलो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ऑरेंज या फिर रेडनेस उसमें ज़्यादा था, और जो ब्लू कलर अपने अप्लाई किया है तो उसमें और थोड़ा सा डार्क। इस आर्टक में भी आपको आउटलाइन डिटेलिंग शेडिंग क्लियरिटी इन सब में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए इसके लिए आप जो है हमारा टोटल देख देख के ट्राई कर सकते हैं। और इस आर्टक में यहाँ पे हेड के ऊपर आप देख सकते हो जहाँ पे लाइट का इफेक्ट या फिर जो वाइटनेस व्हाइट कलर जैसा दिख रहा है वो यहाँ पे फोटो क्लिक करने में मिस्टेक आपका हो गया। इस आर्टक में आपको आउटलाइन शेडिंग क्लियरिटी इन सब में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप टोटल ग्रिड मेथड से ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर आप ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे शायद किसी का कहना हो सकता है कि हम अगर ग्रिड मेथड से ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्किल कैसे इम्प्रूव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप तब ट्राई करो जब आप फ्री कोई ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बिना ग्रिड से ट्राई करो, पर आप आर्ट कमीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो किसी भी तरह हमें यहाँ पे विनर बनना है, तो इस हिसाब से आपको किसी भी तरह आर्ट को परफेक्ट ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आप ग्रिड मेथड से ही ट्राई करा करो खासकर आर्ट कॉम्पिटिशन में। इस आर्ट में हेयर थोड़ा सा और डार्क होता तो और बेटर होता, और बाकी जो लेफ्ट साइड से जो ब्लू का डार्क इफेक्ट वो और थोड़ा अच्छा आप कर सकते, मतलब और थोड़ा सा डार्क कर सकते थे। इस आर्टक में मिस्टेक जो है वो है, एक मिस्टेक मुझे लगा जो गालों के ऊपर और थोड़ा सा क्लीन टेक्सचर हो पाता है, मतलब एक जो डार्क टू लाइट जो एक क्लीन प्लेन टेक्सचर जो बन पाता है बन जाता है वो नहीं हो पाता। अगर वो वैसा होता जैसे मैंने कहा है तो आर्टक बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, बाकी इसमें कलरिंग सुपर कह सकता हूँ। इस आर्टक में भी एक मिस्टेक यह है कि जो आपने ऑरेंज कलर अप्लाई किया है और ब्लू कलर, वो किस तरह से ऑरेंज से ब्लू कलर कैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पता ही नहीं चलना चाहिए, वो इफेक्ट अगर आप लाते तो और ज़्यादा अच्छा लगता आर्टक। इस आर्टवर्क में थोड़ा सा डार्कनेस लेफ्ट साइड की तरफ और होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी जो क्लियरिटी तो अच्छा है, डिटेलिंग शेडिंग और थोड़ा अच्छा हो सकता है, बाकी आप फेस के ऊपर कलरिंग बहुत अच्छे से किया है। और इस आर्टवर्क में फेस काफ़ी आपने क्लीन स्मूथ टेक्सचर बना दिया है, पर यहाँ पे जो है आर्टवर्क में थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा हो गया, मतलब फेस के ऊपर आपने डार्क कलर अप्लाई किया है उसके जगह पर अगर आप जो है डार्क ब्लू कलर अप्लाई करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता आर्टवर्क। और इस आर्टक में हेयर थोड़ा सा और डार्क हो सकता था, और बाकी जो लेफ्ट साइड की तरफ जो गालों का जो टेक्सचर है जैसे रेफरेंस फोटो में है तो उस हिसाब से गाल जो है और थोड़ा सा डार्क हो सकता था तो और ज़्यादा आर्टक बेटर लगता, बाकी क्लियरिटी क्लीन टेक्सचर जो इसके पहले जो आर्टवर्क दिखा ना होता तो भी और ज़्यादा अच्छा लगता। इस आर्टक में आपको जो है आउटलाइन शेडिंग क्लियरिटी डिटेलिंग एक एक पार्ट को कैसे ड्रॉ करना चाहिए सभी कुछ में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप ट्यूटोरियल देखा करो और उसके बाद ट्राई करा करो। यहाँ पे लेयरिंग और थोड़ा डार्क हो सकता था गले के आसपास, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और डार्क ब्लू कलर अप्लाई करते हैं, हेयर्स को आपने थोड़ा बहुत स्किप किया है, कोई बात नहीं आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आपका भी स्किल बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। अगर आप हमारे जो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया उन सबको देख देख के अगर आप ट्राई करते हो, तो सबसे पहला यहाँ पे मिस्टेक जो है फेस के ऊपर, यहाँ पे जो आपने सफ़ेद दाग जैसा ऐसा लग रहा है कि फेस के ऊपर दाग हो गए हैं, यहाँ आपने जहाँ जहाँ पे भी लाइट इफेक्ट देने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आपको कैसे लाइट टू डार्क एक प्लेन टेक्सचर बनाना चाहिए वो आपको सीखना होगा, इसके लिए आप हमारे ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो। बाकी आर्टवर्क तो क्लीन है पर दाग धब्बे जैसा दिख रहा है इसलिए आर्टवर्क उतना अच्छा नहीं दिख पाया, तो इसके लिए यहाँ पे कैसे डार्क टू लाइट एक प्लेन इफेक्ट ड्रॉ करते हैं इसके लिए अगर आप कमेंट में पूछते हो या फिर कमेंट करते हो तो ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय सियाराम।